हिंद मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे बीच निकल के आ गई है। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी बता दें कि इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सूचना लेके मौजूद हुआ हूं। जितने भी हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक जो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से अपने एरियर का, तो बता दें अभी क्या है वर्तमान स्थिति। साथ ही 6 अगस्त को है एक ऐतिहासिक रैली, जिसमें आपको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे आना है, क्या सुविधाएं हैं, सब कुछ बताएंगे। साथ ही बता दें MSP को लेके जो तारीख मिली है, दूसरी तारीख, वो है 6 सितंबर शाम 3 बजे। ध्यान रखें इस दिन MSP की इक्वल MSP की सुनवाई है, किसी कारणवश पहले नहीं हो पाई, वो भी मैं इस वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो में सब कुछ बताने से पहले आप सभी को बता दें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स आप हमेशा मिलते रहें। देखिए अन्ना हजारे जी को अगर स्वस्थ ठीक रहा तो रैली में वो भी सपोर्ट करने आएंगे, निमंत्रण उनको दिया हुआ है। बता दें आपको अन्ना हजारे जी का स्वस्थ ठीक नहीं होने के कारण वह किसी रैली जनसभा में समर्थक नहीं दे रहे हैं, लेकिन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की राष्ट्रीय और भूतपूर्व सैनिक की बात हो चुकी है, अब वहाँ पर ध्यान ना दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व सैनिक के लिए विशेष सूचना, 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर, मतलब मांगे उनकी जैसे है इक्वल MSP। अब इक्वल MSP मतलब आप समझ गए होंगे कि जो वेरिएशंस है, जो MNN मतलब मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ का और ऑफिसर्स का 15,500, MNS का 10,500 और ऑफिसर का ORGC उसका 5,200, आपको पता होना चाहिए कि ये जोखिम भत्ता है ना कि योग्यता भत्ता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा जोखिम, जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स जिसमें इन्वॉल्व है उनको मिलना चाहिए, या फिर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये बात नहीं है कि ज़्यादा किसको मिले, लेकिन इक्वल होना चाहिए, भेदभाव क्यों। साथ ही बता दें आपको रैली 6 तारीख को है, आपको मैंने बता दिया है 6 तारीख को रैली है, जरूर अपना समर्थक दें। 6 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान पे, तकरीबन लाखों से भी लाखों भूतपूर्व सैनिक जुड़ रहे हैं। फेडरेशन संगठन, जितने भी सैनिक समाज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के संगठन हैं, वो सब उस दिन आ रहे हैं और अपने अपने पूरे कार्यकर्ता के साथ। तो मैं बता देता हूं आपको कि आप भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। देख सकते हैं एक यहां पे न्यूज़ भी निकल के आई है, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 अगस्त को देहरादून में, हाँ, भूतपूर्व सैनिकों यहां पे एक आप लोग के लिए जैसे एक रोजगार मेला है, इसमें जरूर आप समर्थक दें अपना। ये आपका सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में है देहरादून में, तो जितने भी देहरादून उत्तराखंड से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत।